इस फाइनली हम सीरीज़ के साथ आ गए अपनी मैंने पेन वेन जो ऑर्डर किया था वो भी आ गया है और अभी मैं पिछले पाँच मिनट से बोले जा रही थी रिकॉर्ड कर रही थी और मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं थी चलो कोई बात नहीं नाउ इट्स ऑल गुड हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अच्छा मेरे को कुछ बातें बतानी थी वो मैं रिपीट कर देती हूँ बता देती हूँ फिर से अब पता नहीं अभी मैंने किसको बताया किसने सुना किसने नहीं सुना मुझे खुद बहुत ही आ है ये सीरीज़ जो है पूरी की पूरी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज़ है है ना तो हम यहाँ पे एग्ज़ाम के कंटेंट के हिसाब से ही पढ़ाई करेंगे क्या पूछा जाएगा क्या एग्ज़ाम में आएगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है हमें रिलीवेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं ए रिलीवेंट चीज़ें हमें नहीं करनी है बेसिकली साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है इनफैक्ट कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा होता है ना चाहे वो पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसमें खो सकते हो और ऐसे खो जाओगे कि बंद करेगा बस पी एच डी इसमें करके निकलनी हमें तो लेकिन जो आपका टारगेट आपने एग्ज़ाम कर रखा है वो पीछे रह जाता है बात यह है कि हमें उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम से पूछा जाता है और हमारा पैटर्न जो रहेगा पढ़ने का वो इस ओरिएंटेशन के ऊपर रहेगा हमारा जो पैटर्न होगा पढ़ाई का वो इस के ऊपर रहेगा कि हम पहले देखेंगे पी वाई क्यूज़ एन डी ए के एनडीए में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसको मैं फिर से ले लेती हूँ पहले हम एनडीए के क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे सी के क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे सीएपीएफ के क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट करेंगे फिर आएंगे सी के क्वेश्चंस के ऊपर सिविल सर्विसेज तक के आपके क्वेश्चंस जिस तरीके से देखे जाते हैं हम उन सबको लेके चलेंगे और देखो बात यह है कि कंटेंट हमारा वही रहने वाला है बायोलॉजी चेंज नहीं होएगी साइंस चेंज नहीं होएगी या कोई भी सब्जेक्ट जो यहाँ पे हम लोग इस सीरीज़ में आगे लेके आएंगे वो चेंज नहीं होगा बेसिकली सब्जेक्ट के दायरे वही रहने वाले हैं बदलेगा क्या पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चनस और पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चन हम ये सब करेंगे इसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई एस का क्या सीन है या फिर एफ कैट का क्या सीन है या आपके और जो अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं पहले हम यू के पेपर को देखेंगे फिर हम एस और बाकी के जो आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जैसे रेलवे वगैरह के जैसे एग्जाम्स होते हैं उनको भी हम लोग उनके क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे वैसे आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे अगर आप इनके वो देखते हो पेपर्स तो और मोस्टली वो रिपीटेड क्वेश्चन से ही आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है वीडियो देखना एक चीज़ होती है यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ हैं दो दो घंटे के लेक्चर्स हैं दस दस घंटे के लेक्चर हैं बारह घंटे के लेक्चर हैं रात रात भर के लेक्चर हैं आप बैठ के देखते रहो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते जब तक आपको वो चीज़ एग्जाम में अप्लाई करनी नहीं आती है बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा पढ़ो प्रैक्टिस करो और ट्राई करना कि इस सीरीज़ के साथ साथ अपने नोट्स आप अपनी नोटबुक में बनाते चलो पढ़ने बैठने से पहले मैं टाइम दे दूँगा आपको वीडियो को पॉज करो जाके एक नोटबुक उठा के लेके आओ एक दो कलर्स के पेन रखो एटलीस्ट नहीं तो एक पेन एक पेंसिल रखो और एक पेन भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है नोट्स आपके ऐसे बनने चाहिए कि आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए आपने क्या लिखा है उसको रिवाइज करना है बार बार रिवाइज करने का बहुत प्यारा तरीका होता है तीन बार रिविजन आप कर सकते हो ये सब चीज़ों के बारे में हम बाद में एक शॉर्ट वगैरह शॉर्ट वीडियो वगैरह में बात कर लेंगे बट बिना कॉपी के बिना पेन के अगर आप यहाँ पे बैठ रहे हो और अगर आप बिना मेहनत के सोच रहे हो कि मेरे एग्ज़ाम्स निकल जाए तो ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं है ना तो फटाफट से जाइए अपना नोटबुक वगैरह लेके आइए और फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज छोटा लेक्चर रखेंगे मेरे को इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब थोड़ा अच्छे तरीके से बताना था इसलिए और बाकी लेक्चर आप आगे देखते रहिए माइक वाइक अभी मेरे पास है नहीं तो हो सकता है ऑडियो में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट आई विल ट्राई जैसे थोड़े बहुत हम काबिल बनते हैं भाई आप सपोर्ट करो बात तो यही है बिना सपोर्ट के माइक तो अभी मैं नहीं ले पाऊंगी चलो ठीक है देखते हैं जो भी है है ना बातें बहुत हो गई स्टार्ट करते हैं चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक के साथ तो पहला टॉपिक है हमारा सेल और पेन का कलर वाइट लगता है अभी थोड़ा सा मेरे को इसे क्या करना पड़ेगा इतना तो बहुत है ठीक है सेल के बारे में हमें इस टॉपिक से स्टार्ट करना है ये चैप्टर चूज करने का मेरा रीज़न ये था कि ये आपके बहुत सारे फंडामेंटल्स को क्लियर करेगा बेसिकली हमारा मतलब ये जो टॉपिक है ना ये आगे हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा और आगे के अपने जैसे जेनेटिक्स के चैप्टर्स वगैरह हैं उनमें भी अपने को बहुत हेल्प करने वाला है बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर्स हैं जिसमें ये बहुत रेलिवेंट रहेगा और इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक जिसमें से हर साल एटलीस्ट आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दो नहीं तो एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही मिलेगा है ना तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक ऑफ यू पी एस सी इज सिर्फ इसमें हम लोग कंटेंट जो रख रहे हैं हम लोग सिर्फ नाइन्थ टेंथ का ही नहीं पढ़ेंगे क्लास इलेवेंथ के हिसाब से क्लास ट्वेल्थ के हिसाब से भी कुछ रेलिवेंट चीज़ें हैं क्योंकि अभी ट्रेंड में आपने देखा होगा इस बार का सी डी एस का जो एग्ज़ाम था वो इतना सिंपल नहीं था कि भाई आपने पता कर लिया कि सेल क्या होता है और सेल थ्योरी क्या होती है सेल के ऑर्गेन्स क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है उससे हो जाएगा नहीं थोड़ा सा हमें इसमें इंडेप पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को समझना पड़ेगा मियोसिस माइटोसिस माई प्रोसेस की प्रोसेस को समझना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी आपको क्वेश्चन आके देखने को मिल सकते हैं तो थोड़ा सा इसको अपन लेके चलेंगे है ना चलो ठीक है ओके स्टार्ट करते हैं अपन अब टॉपिक से श्री गणेश करते हैं इसका भी ठीक है अब बात ये है कि सेल होता क्या है सबसे पहले सेल को एनसीआरटी बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है, है ना एक तो अपना बहुत कॉमन आंसर होगा हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जैसे एनसीईआरटी uh, का ही बेसिकली एग्जांपल है क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी का या टेंथ में जब जिसमें भी चैप्टर है उसका एग्जांपल है कि आपका जो ब्रिक का वॉल का स्ट्रक्चर होता है उसकी एक ब्रिक जैसे एक फंडामेंटल यूनिट होती है ऐसे ही सेल भी एक फंडामेंटल यूनिट होता है बट हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये फंडामेंटल यूनिट है कैसे अब किसी भी चीज़ को आप फंडामेंटल तब बोल सकते हो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आप किसी भी चीज़ को तब बोलोगे जब वो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस टाइप को दिखा आपको सबसे पहले इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखनी है कि जिस भी चीज को मैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ क्या वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने में कैपेबल है अगर वो नहीं है तो हम उसको फंडामेंटल नहीं बोल सकते पहली चीज तो ये हो गई दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब ये है कि असेंशियल फंक्शन ऑफ जो लाइफ है जैसे कि असेंशियल फंक्शन है हमारी लाइफ के क्या होता है असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ बता सकते हो आप मेरे को अपना ये हो गया न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के साथ आपका हो गया रेस्पिडेशन uh, जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और वो लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे तब हमें ये सारी चीज़ें करनी है इसके अलावा अपना क्या होता है सर्कुलेशन और बॉडी फिट्स है ना या फिर एक और आता है अपना एक्सक्रीशन सर चार्ज खत्म हो जाएगा काफ़ी स्लो लग रहा है पेन मेरे को चलो कोई नहीं चल जाएगा काम अपना ठीक है ये अपने फंडामेंटल फंक्शंस uh, होते हैं लाइफ के आपको लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये सारे फंक्शन परफॉर्म करना ही पड़ता है तो कोई भी ऐसे इंडिविजुअल जो कि अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर रहा है और असेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ को परफॉर्म करने के कैपेबल है उसको हम फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं एंड सेल इज द स्मॉलेस्ट सच ऑर्गेनिज्म या स्मॉलेस्ट सच लिविंग थिंग जो कि इन फंडामेंटल्स को शो करता है इसीलिए हमने सेल को फंडामेंटल ऑफ यूनिट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंसिडर किया ठीक है मिटा दूँ मैं इसको आई होप नोट कर लिया होगा अपने साथ में चलो ये वाला मिटा देती हूँ एक्स्ट्रा मार्किंग करूँगी फिर मेरे को आगे प्रॉब्लम हो है ना आपको भी आगे प्रॉब्लम होगी ऐसा लगेगा खिचड़ पिचड़ क्या मची हुई है इसको मैं ढंग से लिख देती हूँ एक बार मेरे को एक सेकेंड दो है ना चलो गुड इतना हो गया अब अपन बात करते हैं आगे हमने ये तो देख लिया कि भाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं इसको अब हम बात करते हैं कि सेल के बारे में जो पढ़ाई होती है उसको बोलते क्या है स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी ओके स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी और साइकोलॉजी में जो हमारे एकदम निपुण साइंटिस्ट वगैरह हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देखने वाले हैं पर उस सबको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपन ये समझेंगे कि अपनी सेल्फ थ्योरी क्या चीज है है ना सेल्फ थ्योरी के बारे में अपन थोड़ा सा जानेंगे अभी तो सेल्फ थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल्स से बने हुए हैं पहली बात दूसरी बात कि जो सेल है वो फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये अपन ने देख लिया और तीसरी बात ये है कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं यानी कि जितने भी कोई नए सेल बनेंगे उनका ओरिजिन जो होगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होगा वो कई नई जगह से एकदम निकल के नहीं आएंगे ठीक है ये चीज़ हो गई ये अपनी सेल थ्योरी है सेल थ्योरी दी किसने थी तीन साइंटिस्ट के नाम हमें याद रखने हैं आपका क्लेडन श्ले, श्ले, और शॉन जो हैं इन दोनों ने सेल थ्योरी बनाई थी बेसिकली एटीन में अपना है ना एटीन में इन्होंने ये दो प्रपोजल्स दिए थे वो फिर से ढंग से रखना पड़ेगा पेन की बैटरी शायद खत्म हो रखी है कोई बात नहीं अब और काम नहीं रोक सकती मैं बहुत दिन हो गए इस चीज़ को डिले करते हुए अपना एटीन थर्टी नाइन में स्कलडन एंड ने सेल थोरी दी थी और रॉबर्ट विश्रो थे इनने इसमें एडिशंस किए थे एटीन फिफ्टी फाइव में एटीन फिफ्टी फाइव में यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज़ करते हैं और इस चीज़ को बोला जाता है ओमनेस अरे सेल्यूले सेल्यूली ठीक है ओमनेस सेल्यूले सेल्यूली ये एक आपका लैटिन टर्म है इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया था कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल किसने था विश्व ने बोला था मैंने ये चीज दो तीन बार रिपीट कर दिया चले, चले, ने, 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 का नाम हमें नहीं बोलना है विश्रो ने कब ऐड किया था ये ये नहीं हमें भूलना फिर से लिख देती हूँ 1855 में ठीक है और सेल थ्योरी क्या है ये अपने को समझ में आ जानी चाहिए भाई बहुत लॉजिकल बात है देखा जाए तो हमने ये तो देख लिया कि भाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है अब ये भी हमें बचपन से छोटी क्लासेस से पढ़ा है कोई भी चीज़ फंडामेंटल यूनिट यूनिट आप किस किसी चीज़ का कब कहोगे जब उसे मिलके कुछ बने है ना तो जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो वो यूनि होंगे मतलब एटलीस्ट एक सेल तो होगा तभी तो आप उसको लिविंग बोल सकते हो है कि नहीं या फिर मल्टी सेलुलर होंगे मल्टी सेलुलर होंगे तो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं आगे बायोडाइवर्सिटी में ये हमें बहुत हेल्प करने वाला है है ना और जो सेल है वो फंक्शनल इंस्ट्रक्चरल यूनिट है ये भी चीज़ मतलब तो काफ़ी लॉजिकल सी बात है सेल थ्योरी मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल चीज़ है कि आपको याद रखने में प्रॉब्लम होगी बस एक बार ध्यान से सुन लो है ना और ओम सेलुलर सेल्यूला सेल्यूल ये भी लॉजिकल है भाई कोई भी नया सेल जो है वो प्रकृति में एकदम अचानक से तो प्रकट होगा नहीं कि भाई बिजली गिरी आग जली पानी के कारण इनके मिश्रण से प्राकट्य हुआ एक नए सेल का है ना पुराना कोई सेल होगा जब भी तो नया सेल बनेगा वही चीजें हैं भाई लॉजिक की बात है थोड़ी सी तो ये वाला पार्ट अपना हो गया आगे बढ़ते हैं अपन है ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अब अपन बात करेंगे कि डिस्कवरी और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं हमने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लिया फैक्ट्स पे आ जाते हैं ना फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं चलो डिस्कवरी कैसे हुई थी सेल की तो ये कहानी है ये बात है सिक्सटीन सिक्सटी फाइव की ये उस जमाने की बात है सिक्सटीन सिक्सटी फाइव में किसी को किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो याद है क्या हुआ तो क्या हो कह रहा था कौन था भारत में किसका शासन था मुगल्स को जानते हैं जब भारत के ऊपर मुगल साम्राज्य था जब शाहजहाँ बादशाह बने हुए थे या शायद औरंगजेब थे उस टाइम पे उस टाइम में वेस्ट में ये सब काम हो रहे थे है ना उस टाइम पे सेल की डिस्कवरी हो रही थी लोग माइक्रोस्कोप बना रहे थे सिक्सटीन सिक्सटी फाइव की कहानी आई है रॉबर्ट हुक साहब ने अपना खुद का एक आ, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था और उन्होंने कॉर्क में सेल्स को डिस्कवर किया था सेल उन्होंने इस चीज को नाम दिया और इसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट बेसिकली कोई भी छोटा सा एक कंपार्टमेंट है उनको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे एक शेप के इस टाइप से कुछ और उन्होंने कॉर्क में ये हेक्सागन स्ट्रक्चर्स को देख के नाम दे दिया कि भाई इसको ये तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसे लग रहे हैं तो इनको अपन नाम दे देते हैं सेल आप मेरे को कमेंट करके बताना सेल कौन सी भाषा का वर्ड है ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता ठीक है इतने साल से ये से पढ़ती आ रही हूँ मैं ये मैं सोचना कि मेरे को पता नहीं है ठीक है सेल हमने नाम दिया स्मॉल कंपार्टमेंट्स ठीक है अब इसके अलावा हमें इनके बारे में क्या रखना है सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप ये बहुत कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप ने बनाया था इन्होंने बहुत प्रिमेटिव माइक्रोस्कोप बनाया इन्होंने क्या किया दो तो आपने कॉन्वेक्स लेंस यूज की और देखा कि भाई किस तरीके से मेरे को मैग्नीफाइड मेरा ऑब्जेक्ट दिख सकता है उस हिसाब से और ऐसा भी नहीं कि इनको बहुत मैग्निफिकेशन में कुछ चीजें दिखी हो है ना तो ये चीज थी रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के बारे में इसके अलावा रॉबर्ट हुक ने बाद में जाके सेल मेम्ब्रेन भी डिस्कवर की थी याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट हुक ने ही की थी इसके बाद अपन आते हैं कि भाई देखो कॉर्क जो है वो हो गया आपका नॉन लिविंग सेल है ना कॉर्ड के जो सेल होता है वो नॉन लिविंग होता आपको है आपको पता है कॉर्क होता क्या है जो डेड पार्ट होता है ट्री की बार्क का वो बेसिकली उससे कॉर्क बनाया जाता है है ना तो अपना जो कॉर्क था वो तो डेड सेल हो गया लिविंग सेल की खोज किसने की थी बता सकते हो आप मेरे को है याद नहीं याद चलो नहीं बता देती हूँ चलो ठीक है लिविंग सेल की खोज की थी एंटोन वॉन लिवन हुक ने और इन्होंने बैक्टीरियल सेल्स को डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर में कहाँ पे पॉन्ड वाटर में ठीक है कब किया था भाई अब सिक्सटी फाइव में रॉबर्ट हुक ने किया था तो ये कहानी बन जाती है हमारी सिक्सटीन सेवेंटी फोर की सिक्सटीन सेवनटी फोर में एंटोन वॉन लिवन हुक ने पॉन्ड वाटर में अपना लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था और ये कौन से सेल्स थे सिक्सटीन सेवेंटी सिक्स में पता चलता है कि ये बैक्टीरिया है और आगे जाके हम बैक्टीरिया के बारे में बहुत प्यार से आराम से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं ठीक है अब अपन आ जाते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब पे ये वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि सेल के बीच में कुछ ऐसा होता है ऐसा जादूई होता है जो कि उसकी सारी जेनेटिक प्रॉपर्टीज उसकी इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने की कैपेबिलिटी और जितने भी फंक्शन सेल परफॉर्म करता है उसको करवाने का इंस्ट्रक्शंस देना बेसिकली सेल का जो मास्टर है उसकी बात की थी इन्होंने जिसका नाम है न्यूक्लियस अरे ये पेन मैं कितनी बार चार्ज करूँ जिंदगी में मैं दुखी कर रखा है ऐसे मुझे अब हमारे बजट में ऐसी चीज़ आती है यार आई पैड हम ले नहीं, नहीं सकते है ना न्यूक्लियस कितने खोज की थी कब की थी वैसे राइटिंग सही आ रही है ना थोड़ा और साफ्ट लिखूंगे नेक्स्ट टाइम इसको और अच्छे से चार्ज ना राइटिंग मेरी अच्छी है यार ऐसी बात नहीं है ठीक है एटीन थर्टी वन की बात है ये है ना एटीन थर्टी वन में इन्होंने न्यूक्लियस uh, की डिस्कवरी की थी ये अपने को याद रखना है इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे नहीं रखा है आगे वैसे मैं रिपीट करूँगी बट क्योंकि मेरे को याद आ रही हैं चीज़ें तो अपन थोड़ा सा इस यहाँ पे भी कर ही लेते हैं ना क्या दिक्कत है यार एक्स्ट्रा हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा तो है राम तो इतनी घसड़ मचा दी मैंने इधर क्या किया जाएगा इस ज़िंदगी ऐसी है चलो कोई दिक्कत नहीं है पर किनजे की बात करते हैं अपन जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो भी इनका नाम रिपीट होएगा याद रख लेना मेरी बात बता रही हूँ मैं मैं प्रेडिक्शन दे रही हूँ होगा रिपीट जरूर होगा पर किनजे ने क्या किया एटीन थर्टी नाइन में एटीन थर्टी नाइन से आपने कोई एक और चीज़ याद आनी चाहिए सेल थ्योरी एटीन थर्टी नाइन में किसने दी थी स्क्रीडन और श्वान ने दी थी 1855 में रॉबर्ट ये रॉबर्ट विश्रो ने उसमें चेंजेस किए थे क्या चेंजेस किए थे उन्होंने एक पॉइंट ऐड किया था क्या पॉइंट ऐड किया था ओमनी ने सेल्यूलाई और वो क्या बोलता है ये बोलता है कि भाई कोई भी जो सेल होगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज करेगा सिंपल सी बात है जल्दी से हो गया रिविजन चलो आगे बढ़ता है पर ने थर्टी में कहा था कि एक प्रोटोप्लाज्म होता है और ये नाम नोट कर लो इसको अपन आगे देखेंगे है ना प्रोटोप्लाज्म क्या होता है मैं आगे बताऊंगी अभी नहीं बता रही खाना नहीं बताऊंगी कुछ कह देना नहीं बताऊंगी अब बाद में बात करते हैं <laughs> चलो ठीक है कोई नहीं इतनी बातें हो गई इसके अलावा हमें किसका नाम याद रखना है हमें नाम याद रखना है अब ये रो मिटाओगे हमें नाम याद रखना है केमिलो। स्पेलिंग टिक लिखे मैंने नाम की नहीं डबल एल आता है सी एम आई डबल एल ओ जी हाँ आपने सही गैस किया ये वही आदमी है जिन्होंने गोलगी अप्रेटस को डिस्कवर किया था गोल्गी ऐप्रेटस की कहानी भी बाद में देखेंगे हम कब किया था डेट हमें यहाँ पे याद रखनी है ये है एटीन नाइन्टी एट ठीक है गोलगी ऐप्रेटस की डिस्कवरी थी एटीन नाइन्टी एट में और 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 एक और चीज़ मैं बता देती हूँ सिक्सटीन सेवेंटी सिक्स में लीवन होक ने बैक्टीरिया के साथ साथ एक और डिस्कवरी की थी जिसको अपन बोल सकते हैं वैक्यूल्स तो जब उन्होंने बैक्टीरिया डिस्कवर किया तो उन्होंने वैक्यूल भी डिस्कवर किए तो ये सारे अपने फैक्ट्स हैं हमें ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है मेरे को फिर से एक मिनट दो मैं इसको थोड़ा सा सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि अगर आपको नोट करना हो तो उसमें दिक्कत ना हो चलो अब उसके बाद देखना कि नोट मेकिंग भी इसी तरीके से हो सकती है वैसे है ना थोड़ी सी तारीफ़ कर देना मेरी अगर आपको वो नोट्स पसंद आए जो अभी मैं बनाने वाली हूँ मेरे को एक मिनट चाहिए बस चलो ठीक है सब कुछ ऐड कर दिया है मैंने एक बार रीचेक कर लेते हैं भाई रॉबर्ट हो के बारे में सब कुछ देख लिया कि सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया है और बाकी सारी चीज़ें भी देख लिया यार है ना सेल्फ मेड मैक अपन ने देख लिया और सेल के बारे में स्मॉल कंपार्टमेंट वाली बात देख ली है वैसे मैंने यहाँ पे आंसर लिख तो दिया ही है बट फिर भी मुझे कमेंट में चाहिए आगे बात समझ में चलो ठीक है एंड ऑन वन के बारे में भी अपन ने देख लिया कि इन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की है ना और सिक्सटीन सेवेंटी फोर और सिक्सटीन सेवेंटी सिक्स अपन दो चीज़ याद रखेंगे चलो कमेंट में ये भी मुझे बता देना नोबल प्राइज़ नोबल प्राइज़ विनर प्राइज के बारे में है ना क्या एंटोन वन लेवन को नोबेल प्राइज मिला था और अगर इनको मिला था तो कौन से ईयर में मिला था ये मुझे बताना पड़किनजे के बारे में अपन ने देख लिया कैमिलो गोहली के बारे में अपन ने देख लिया और रॉबर्ट ब्राउन के बारे में भी अपन ने देख लिया और कोई बात बचती है तो स्लाइड में मैं बाद में ऐड कर दूंगी अरे वैसे हाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ मैं सोच रही हूँ एक टेलीग्राम का तो ग्रुप बना लूँ अगर नोट्स वगैरह आपको बाद में चाहिए हो अभी नहीं अभी तो अपने हाथ से ही बनाऊँ बाद में जो कुछ भी रेलिवेंट मटेरियल वगैरह होगा वो चीज़ मैं वहाँ पे शेयर कर सकती हूँ नॉट राइट नाउ बट लेटर ऑन पक्का कमेंट करके बताना मुझे ये आइडिया आपको कैसे लगा या इस पर काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन अपने अगले स्टेट के ऊपर जाते हैं अब यहाँ पे अपन बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में हम देखेंगे कि भाई सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है क्या क्या चीज़ें हमें सेल में देखने को मिलती हैं और ये अभी शायद मैं आज के लिए टॉपिक लास्ट रखूँगी देखती हूँ वैसे मैंने आज के लिए टारगेट क्या क्या किया था प्रो कह You guys, ये मैंने रखा था, वीडियो मैं रखना नहीं चाहती हूँ या ये आपके लिए कितना फायदेमंद है मुझे वो चीज़ सभी पहले देखनी है ठीक है यहाँ पर कोई नहीं ये भी ठीक है चलो चलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं हम इस वाले आ, मतलब डायग्राम से समझेंगे कि ये सेल में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं वैसे ये एनिमल सेल का एलैबोरेट डायग्राम है बट मैं इसमें अभी कम चीज़ें बताने वाली हूँ आगे जाके एनिमल सेल के डायग्राम में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं इस वाले में मैं सिर्फ वो बताऊँगी जो मोस्टली आपको सारे सेल्स में कॉमनली दिखेगा है ना ये चीज़ करते हैं सबसे पहले तो अपने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होती है आपका सेल एनवलप किसी भी सेल के पास एक एनवलप होता है अब इस सेल एनवेलप में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं सेल एनवेलप में आपको देखने को मिल सकती है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूजुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अलावा एक और चीज होती है एडिशन में जिसको अपन बोलते हैं कैप्सूल कैप्सूल हमारे पास कहाँ पे होते हैं कैप्सूल हमें उन सेल्स में देखने को मिलती है जिनको एनवायरमेंट से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए इसके बारे में अपन बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में बहुत विस्तार से बात करेंगे बट अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे जानने में कमेंट सेक्शन में बहुत खुशी होगी कि कैप्सूल किस टाइप के सेल्स में हमें देखने को मिलती है है ना कौन से सेल्स होते हैं इनके पास एक कैप्सूल भी होती है ठीक है आगे हम डिटेल में देखेंगे कि भाई ये बनी किस चीज़ से होती है इनके फंक्शन क्या होते हैं फंक्शन वैर के बाद हम ऑर्गेनल्स की बात जब करेंगे तो आराम से करेंगे तो एक अपने को ये चीज़ पता चल गई कि भाई एक हमारे पास सेल वॉल होती है सेल मेमरियन होती है कैप्सूल होती है ठीक है इसके अलावा अब अंदर चलते हैं तो सेल में अंदर जो अपने कोई ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है ये अपना साइटोप्लाज्म। ध्यान इधर रखना ठीक है मतलब भटक मत जाना मेरे को पता है हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो गया वो वीडियो हो सकता है नाम आपको ब, बड़े अजीब अजीब लग रहे हो सुनने में बट जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं इनको ब्रेक डाउन करके बताऊंगी एक एक नाम को ब्रेक डाउन करके बताऊंगी कि इसका मीनिंग क्या होता है इसको ऐसे क्यों बोलते हैं क्या, है, क्या है क्या नहीं है मज़ा आने वाला है सीरीज़ में बने रहना बस सिंपल सी बात ये है ठीक है साइटोप्लाज्म के बाद अपन यहाँ पे देखने की बहुत सारे अंदर अंदर साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स देखने तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है ये फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये होता है हमारे पास सेल के ऑर्गेनल्स सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सेल ऑर्गेनल्स के अलावा हमें क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कौन कौन से टाइप के सेल ऑर्गेनल्स आपको यूजुअली देखने को मिलेंगे ये सेल ऑर्गेल का प्रेजेंट जो है ना प्रेजेंस ये आपका एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर भी होता है यू कैडर्ट्स और प्रू कैडर्ट्स के बीच में आगे बात करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में तो नहीं नेक्स्ट लेक्चर में कल ही पब्लिश कर दूंगा मैं चिंता मत करना है ना नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में चलो ठीक है है ना तो साइटोप्लाजमे हमारे पास फोटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल ऑर्गेनल्स बहुत कॉमन कॉमन नाम जैसे अगर मैं बता दूं तो ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का नाम हमने सबने सुना होगा हमारे पास होते हैं वैक्यूल्स वैक्यूल की बात की थी हमने पीछे वैक्यूल्स होता है उसके अलावा हमारे पास क्या होता है गोल्जी ऑपरेटस की बात की थी गोल्जी जी को गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं ओके और इसके अलावा क्या होता है हमारे पास लाइजोजोम्स होते हैं राइबोजोम्स और क्या क्या होता है हमारे पास न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के ऊपर बाद में आता है। चलो ठीक है दो चीजें अपने को पता चल गई हमें क्या क्या पता चल गया हमें पता चल गया कि भाई सेल के पास एक तो बाहर की कवरिंग होगी है ना जिसको अपन ने सेल एनवेलप बोला एक सेल के पास हमारा एनवेलप होएगा इसको भी ढंग से लिख देते हो थोड़ा सा एक मिनट का इस। सेल के पास होता है एक एनवेलप एनवेलप में क्या क्या होता है ये सारी चीजें होती हैं उसके अलावा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल फ्लूड जिसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं साइटोप्लाज्म में क्या-क्या होता है ऑर्गेनल्स होते हैं सेल ऑर्गेनल्स होते हैं न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनल है बट हमें यहाँ पे ये चीज भी देखनी है कि इधर अपने पास है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म और ये बीच में जो आपको एग योग जैसा दिख रहा है ये है आपका न्यूक्लियस अब यू कैरियोटिक सेल्स जो होते हैं चलो मैं ये चीज़ यहीं पे बता देती हूँ यू कैरिओटिक सेल्स जो होता है उसमें तो हमें ये इतने सारे डिफाइंड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं बट क्योंकि हमें यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की बात करनी है तो हम इन सबको हटा के यहाँ पे सिर्फ एक चीज सीखेंगे या एक चीज़ अपन मानेंगे कि ये है आपका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में या तो आपके पास न्यूक्लियोइड होगा आपके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा जेनेटिक मटेरियल की मैं बात कर रही हूँ ना यहाँ पे तो तीन पार्ट अपने को याद रखना है अपना एनवेलप एक साइटोप्लाज्म और एक जेनेटिक मटेरियल। मैंने अभी बताया था कि हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में मुझे ये बताना है आपको जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना ये मिलके बनता है साइटोप्लाज्म प्लस आपका न्यूक्लियोप्लाज्म ठीक है ये इन दोनों से मिलकर बनता है तो ये वाला जितना भी पार्ट है मेरा ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट प्लस जो न्यूक्लियोप्लाज्म वाला पार्ट है यानी कि न्यूक्लियस को छोड़ के जो बाकी का पार्ट है इस सबको मिला के अगर मेरे को कुछ बोलना है तो मैं उसको प्रोटोप्लाज्म बोलूँगी है ना ये चीज़ होगी क्लियर आई होप इतना समझ में आया होगा तो अपन ने आज क्या क्या करा एक बेसिक रिकैप ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा हमने तीन मोटे मोटे टॉपिक्स पढ़े हैं कि भाई सेल होता क्या है उसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते क्यों हैं और अगर, अगर अपन तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं तो उसको क्या क्या करना चाहिए दूसरा अपन ने ये देखा कि सेल थ्योरी क्या है सेल थ्योरी के बाद हमने देखा कि कौन कौन सी महान ऐसी डिस्कवरीज़ हुई हैं और किस किस ने वो डिस्कवरी की हैं जिससे हमें सेल के बारे में पता चलता है ये सारी कुछ चीज़ें हमने आज जानी सीखी समझी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा उसके अलावा हमने सेल के बेसिक स्ट्रक्चर की बातें भी की हैं थोड़ा सा रिवाइज करना इस वीडियो को एक बार और देख लेना अगर एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आई हो एक बार में ज़्यादा मुश्किल लगा वैसे बहुत सिंपल चीज़ें हैं मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ भी डिफिकल्टी आनी चाहिए कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताना मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए आपके फीडबैक मेरे को बहुत हेल्प करेंगे एक अच्छा कंटेंट बनाने में और होप टू सी यू गाइस सून अगली वीडियो के साथ अपन कल मिलते हैं कल इसके आगे पढ़ेंगे पक्का और कल मैं जल्दी डालूँगी वीडियो आज थोड़ी सी मेरी तबीयत की भी दिक्कत थी और दूसरा मतलब ये काम वाम के कारण यार थोड़ा सा लटका हुआ था मेरे को भी तो पेपर देने होते हैं तैयारी कर रही हूँ मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ है ना चलो ठीक है मिलते हैं गाइस सी इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना बताना मुझे कैसा लगा पसंद आया तो प्लीज़ 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 प्लीज लाइक करना प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी क्लास नाइन टेंथ के बच्चे हैं या जिनको भी ये कंटेंट रेलिवेंट लग सकता है प्लीज़ उनके साथ शेयर जरूर करना या फिर अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना कि उनको कैसा लग रहा है अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो मेरे को सबके फीडबैक्स चाहिए यार चलो गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स अगर आप सोने जा रहे हो जिस भी टाइम आप वीडियो तो देख रहे हो उस टाइम के हिसाब से गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मेरी तरफ ऑफ से बेस्ट विशेस सी यू सून बाय बाय